आज के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, आज के मुख्य अतिथि श्री विजय पांडुरंग भातवर जी, आज इन्होंने एक उपाधि प्राप्त की है ऐसे नीलेश एम देसाई जी, मंत्रिमंडल में हमारी सहयोगी राज्य मंत्री शिक्षा रजनी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक राय जी, प्रो वीसी मनुका खन्ना जी, कुल सचिव महोदय, प्रबंध तंत्र यहाँ का कार्य समिति और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, शिक्षकगण, उपस्थित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जीवन का एक मुकाम उपाधि के रूप में हासिल किया है, और उनको भी विशेष तौर से बधाई जिन्होंने उस मुकाम में भी एक अलंकार ग्रहण किया है, अलंकृत हुए हैं स्वर्ण पदक से। उन सबको हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन जिन्होंने ये प्राप्ति की है उनको भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, मैं तो यहां से कर ही रहा हूं, कि जिन्होंने उनके पीछे, सफलता के पीछे उनके माता पिता, उनके गुरुजन हैं, जिनका मॉरल सपोर्ट उनको मिला और इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अब आपके जीवन में नया परिवर्तन आएगा, नए मोड़ आएंगे, आप अपने जीवन, नए जीवन की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन ये शिक्षा जो आपको मिली है इतने ऐतिहासिक विश्वविद्यालय से, यह आपको दिशा भी देगी और आपकी दशा भी सुधारेगी। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ मात्र डिग्री प्राप्त करना, या कोई उद्देश्य हो जीवन में, या जीवन में कोई उद्देश्य को ग्रहण करना। यह गणेश उत्सव का पर्व है, ये सप्ताह गणेश उत्सव का है, पूरा देश गणेश जी का उत्सव मना रहा है। कई सालों पहले तिलक जी ने इस आयोजन को शुरुआत की थी, यानी उन्होंने देश को एक दिशा दी थी, एक शिक्षक बने इस देश के, और दिशा दी कि हमको अपने अंदर राष्ट्रवाद पैदा करना चाहिए और राष्ट्रीयता के गुण पैदा करते हुए उनकी आने वाली अड़चनों को दूर करना चाहिए। वो शिक्षा अभी तक चली आ रही है, महाराष्ट्र से, गुजरात से होती हुई उत्तर प्रदेश, पूरे देश के कोने कोने, बस्ती बस्ती, गांव गांव में आज गणेश जी के उत्सव होते हैं, उनका विसर्जन का कार्यक्रम होता है। एक शिक्षा मिलती है उससे, राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की। लेकिन यह भी देखने में आता है कि उस पर पत्थर भी फेंके जाते हैं, यह अराष्ट्रीय कृत्य है। वो कौन है जो ऐसी शिक्षा देते हैं कि राष्ट्रवादी कार्यों को रोका जाए, उस पर पथराव किया जाए, उन पर विघ्न डाला जाए? ना तो वो शिक्षक हैं जो ये दिशा देते हैं, ना वो शिक्षा की संस्थाएं हैं जो ऐसी दशा बना देती हैं आने वाली पीढ़ी को, यह स्थिति होती है। अरे हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिसमें हमारे बड़े आराध्य पुरुष, आस्था के प्रतीक प्रकट हुए थे, प्रभु श्री राम भी यहीं प्रकट हुए,
भगवान कृष्ण भी यहीं प्रकट हुए, शिव जी का प्राकट्य केंद्र भी यहीं पर है और तीनों राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है कि भले ही इन तीनों को कोई ईश्वर माने न माने, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इन्होंने इस पूरे देश को और देशवासियों को एक सूत्र में परोया था। प्रभु श्री राम उत्तर से चले दक्षिण तक, गिरिवासी बनवासी गरीब भील इन सबको एकत्रित करते हुए, संगठित करते हुए एक आताताई को चुनौती देने पहुंचे थे, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र परोया था उत्तर से दक्षिण तक। प्रभु श्री कृष्ण पश्चिम से पूर्व की ओर चले, जहां ब्रज में राधा कृष्ण की पूजा होती है तो आसाम में रुक्मणी और कृष्ण की पूजा होती है, ये एक सूत्र में इन्होंने देश को बांधा था। तो जो ऐसे पुरुष होते हैं जो एक सूत्र बांधते हैं वही आस्था के केंद्र बनते हैं। शंकर जी का पूरे देश में 12, पूरे देश के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पूरे राष्ट्र को कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक एक करते हैं इस देश को, देशवासियों। यह शिक्षा होती है, अपने आचरण से हम शिक्षा दें, अपने कृतित्व को ऐसा बनाएं कि लोग उससे शिक्षा ग्रहण करें, यही अब आपका भविष्य होगा। हम इस प्रदेश के वासी हैं, इस प्रदेश के जो आस्था के केंद्र हैं, इस प्रदेश ने जो हस्तियां दी हैं उसे धार्मिक रूप में माने ना माने, लेकिन इस रूप में तो मानना पड़ेगा ही कि वो एक राष्ट्र किया उन्होंने, ये पूरा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, उन्हें शिक्षक के रूप में मानना होगा। हम एक शिक्षक चाणक्य भी हुआ है, मेरे यहां के शिक्षकों से एक गुजारिश है, उसने भी गुरुकुल के माध्यम से पूरे देश को एक किया था। पहला राष्ट्र नेता यदि इस देश में हुआ है तो वो चाणक्य हुआ है, जिसने बटे हुए भारत को एकता के परोया था। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग भारत को बांटते हैं, भारतवासियों में विभाजन पैदा करते हैं, उनको ये सूत्र, उनके अगेंस्ट ये सूत्र दें शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, कि हम सब एक हैं, राष्ट्रवाद हमारे लिए पहले है, ये देश हमारे लिए पहले है, जातियों में बंटकर भविष्य तय करना, अंधता से अराष्ट्रीयकृत करना, ये अच्छे शिक्षार्थी का कर्तव्य नहीं है, यह भी जिम्मेदारी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ना भी शिक्षक की जिम्मेदारी। और आप विद्यार्थियों, आपकी भी जिम्मेदारी, आप आने वाले भविष्य हैं। बहुत बड़ी आशा करते हैं मेरे नेता मोदी जी आप लोगों से, जिन्होंने इस देश को नया कलेवर दिया है, नए तेवर दिए हैं। आज राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान यदि आप लोगों का बड़ा है तो मेरे नेता मोदी जी के उससे बड़ा है, इसमें कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, यह दिया है उसने हिंदुस्तानियों को। और उस महायज्ञ में विकसित भारत की जो उन्होंने कल्पना दी है आने वाले समय के लिए, आप लोगों को अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने आचरण से हमको शिक्षित किया है। महामहिम राज्यपाल महोदया यहां बैठी है, इनके आचरण से भी हम सीखते हैं। मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि इनके मार्गदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय की क्या दशा थी, आप सब जानते हैं। यहां के शिक्षक, यहां का प्रबंध तंत्र, यहां के विद्यार्थी ही नहीं पूरा प्रदेश जानता है। आज अगर A++ में 7 सरकारी विश्वविद्यालय आए हैं तो महामहिम जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी मेहनत से आए हैं। जो उनको जिम्मेदारी
समाज ने दी उसको उन्होंने निभाया है, यह सिखाया है हमको। इस तरह हम उन्हें शिक्षक के रूप में देखते हैं, हमको उनका छात्र बनने में गर्व महसूस होता है। आज उत्तर प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालय ए प्लस प्लस, 5 ए प्लस, 3 यूजीसी ग्रेड 1 और पहले 500वें नंबर पर भी कहीं नहीं थे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, आज 94 और 97 नंबर पर यदि आते हैं तो महामहिम का मार्गदर्शन है ये, उनकी वो शिक्षक के रूप में जो हेडमास्टर के रूप में जो हम लोग की क्लास लेती हैं उसका परिणाम है। तो हम क्या दे रहे हैं समाज को? सामाजिक सरोकारों से कैसे जुड़ा जाए, इनका आचरण हमको सिखाता है। देखिए, आदर्श की बात करना आसान है, मैं आदर्श की बात कर सकता हूं बड़े आसानी से, हर आदमी कर सकता है, उस पर चलना उससे ज्यादा कठिन। लेकिन खुद चलकर एक लंबी फौज तैयार करना जो उस रास्ते पर चले, यह सबसे कठिन कार्य है जो महामहिम उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। यहां पर आंगनवाड़ी बच्चों को जोड़ना, उन बच्चों को यहां लाकर उनको सपने संजोना सिखाना कि तुम्हें भी इस विश्वविद्यालय में आके पढ़ना होगा। आंगनवाड़ी जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं जिनकी सेवा कर रही हैं उनको पुरस्कृत करके प्रोत्साहित करना, यह भी हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज को हम क्या दे पा रहे हैं, यह भी हम सबका कर्तव्य बनता है, सोचें। और हम अपने उन आदर्श पुरुषों से, आदर्श महिलाओं से सबक लें, सीखें, उनके आचरण से अपने दिशा और दशा को ठीक करें। आप लोग अपने, कोई किस क्षेत्र में जाएगा, कोई किसी क्षेत्र में जाएगा, कोई किसी क्षेत्र में जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में याद रखें कि हमारी शिक्षा तभी सफल है जब हम उसका उस क्षेत्र में ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं और उसके माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, यह जरूरी है हमारे साथ। हमारे नेता ने, मित्रों या के विद्यार्थियों, आपके बलबूते पर 1947 में विकसित भारत की कल्पना की है। हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में नीचे पायदान पर थे, लेकिन पिछले 10-12 साल में मोदी जी ने विकासशील भारत, विकासशील देशों में उच्च श्रेणी में ला दिया है भारत को। आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत राष्ट्र, तीसरी की ओर बढ़ने जा रहा है उनकी कल्पना है। वो सपने अपने सामने विजन रखते हैं, फिर मिशन बनाते हैं और पैशन से जुटते हैं, तब अचीवमेंट होता है, ये वो करके दिखाते हैं। अब विकसित भारत 2047 तक बने, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम खड़े हों, उन्होंने एक जो परिकल्पना दी है उसमें हम सबका कर्तव्य बनता है। और खासतौर से ये युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा इस देश में है विश्व में, आप लोगों का कर्तव्य बनता है, जो जहां पर है उसका कर्तव्य बनता है कि उस ओर ले जाएं, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद।